नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम चर्चा में। मैं हूं रमिंदर सिंह और आज हमारे मेहमान हैं स्टूडियो में श्री मनिंदरजीत सिंह भिट्टा, जो ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रेसिडेंट हैं। हम आज एक काफी गंभीर माहौल में मिल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में मुंबई में जो दो विस्फोट हुए थे जिसमें 52 लोगों की जान गई थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज भिट्टा जी से, क्योंकि भिट्टा जी को आप काफी अनुभव है टेररिज्म का। इनके ऊपर कई बार अटैक हुए हैं, इनको 3-4 बार गोलियां लगी हैं, 3 बॉम्ब ब्लास्ट से ये बच के आ रहे थे। तो टेररिज्म के बारे में इनको ज्यादा जानकारी है और अनुभव भी है। भिट्टा जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू। आपने देखा जब आप मुंबई आए कि जहां जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुए आप वहां गए थे, आपने क्या महसूस किया? वहां के जो लोग हैं जिनके घरों के आसपास ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उनका क्या एटमोसफेयर क्या था वहां का, उनका क्या खौफ क्या था उनके दिमाग? तो मुझे सबसे ज्यादा दुख इस चीज का हुआ कि जब मैं उन लोगों के घरों में गया जिन लोगों के परिवारों के लोग मारे गए, या जिनके परिवारों के लोग नहीं मारे गए, उनके आसपास कुछ रहने वाले थे, उनके अंदर एक डर का माहौल था। और ऐसा डर मैंने कभी पंजाब में भी नहीं देखा। इतना आतंकवाद पंजाब में रहा है, गोलियां चलती थी, बम चलते थे, लोग फिर काम में निकल जाते थे। पर जो हमारे माता समान कई ऐसी औरतें थी जो कह रही थी कि कुछ कीजिए, नहीं तो हम ये बॉम्बे छोड़ के वापस गुजरात चले जाएंगे, कोई कहता मैं पंजाब चले जाऊंगा, कोई कहता मैं राजस्थान चले जाऊंगा, इस चीज का मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। और उनका सबसे ज्यादा जो हमला था आतंकवादियों के ऊपर तो था बात करने का, पर सबसे ज्यादा हमला तो था वो पॉलिटिशियनों के ऊपर था। क्या रोज ये पॉलिटिक्स जो जनता का रोष है, हाँ, ये राजनीतिक नेताओं के ऊपर है? हाँ, क्योंकि आप कह रहे हैं, हाँ मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जो देखा है, जो बॉम्बे के अंदर देखा है, कई और जगह पे देखा है, लाशों के ऊपर राजनीति हो रही है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि लोग मारे जाते हैं, पॉलिटिशियन दिल्ली से आते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, टेलीविजन, फोटोग्राफ सब, और कोई किसी की मदद करके नहीं जाता और वापस चले जाते हैं। तो मैं इसको क्या कहूं, क्या लाशों के ऊपर राजनीति नहीं है? कोई आवाज उठा रहा है, कोई आवाज उठा रहा है। क्यों पब्लिक को राजनीतिक पार्टियां ये नहीं समझाती कि हम आतंकवाद के मुद्दे पे एक हैं, हम इकट्ठे मिलकर के ज्वाइन हैंड अगेंस्ट टेररिज्म, वार अगेंस्ट टेररिज्म का नारा देके हम इकट्ठे होके एक मंच पे इकट्ठे होते हैं कि हमने टेररिज्म को इकट्ठे होके समाप्त करना है। पार्लियामेंट के अंदर जब 1 करोड़ से 2 करोड़ का फंड करना होता है मेंबर पार्लियामेंट में, तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। जब बेगुनाहों के खून होते हैं, माओं के बेटे चले जाते हैं, बहनों के सुहाग उजड़ जाते हैं, तो फिर अलग अलग पॉलिटिक्स करते हैं, सरकार की गलती या फलाने की गलती। तो ये आपने कहा कि दिल्ली से जो नेता आते हैं, तो आपका इशारा अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी? नहीं, मैं चर्चा आम में बात, क्योंकि दिल्ली से तो आडवाणी जी आए थे और सोनिया जी आई थी। देखो ये हर जगह की, मैंने आपको बताया ना कि मैं कोई यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं गलत बात करने का आदी नहीं हूं। मैं स्पष्ट कहता हूं, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। जहां तो दिल्ली से आते हो या कहीं और से आते हो, तो इतना हमें स्टेट गवर्नमेंट से पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से हमें इतना फंड आता है, तो 2-2 लाख रुपया सरकार देती है कि लिफाफे में भर के ले और सबको दे दो और कहो आपकी नौकरी का प्रबंध हो जाएगा। किसी के देखने से, दौरा करने से कुछ नहीं होता। ये तो पुलिस अधिकारी दौरा करें, या केपीएस गिल जाके दौरा करे, या रबैरो साहब आके दौरा करे। ये जो दौरे की आप बात कर रहे हो, इससे सिक्योरिटी सिचुएशन भी तो खड़ा हो जाता है। आज एक जगह पे बम फटा है, कल आप देश के उप प्रधानमंत्री को और कांग्रेस पार्टी के प्रधान को आप उसी जगह पे लेके जाते हैं, क्या ये संभव नहीं है? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या ये संभव नहीं है कि जिसने एक बम रखा है उसने दूसरा बम भी रखा हो, कि जब नेता आएंगे हम बम फाड़ देंगे? पंजाब और कश्मीर में तो ये होता रहा है। हाउ एडवाइजेबल इज इट दैट लीडर्स शुड विजिट द स्पॉट ऑफ बॉम्ब? देखो जी, मैं तो पहले बॉम्बे की बात करता हूं कि बॉम्बे के अंदर जो मैंने बुरी हालत देखी है, बॉम्बे के अंदर जब भी बम ब्लास्ट होता है, 1-2 होम मिनिस्टर ऐसे जिनको पब्लिसिटी का बड़ा शौक है, वो तो चाहते हैं रोज बम ब्लास्ट हो, लाशें बिछे और हम टेलीविजन के और अखबारों के सामने जाएं,
किसका को मतलब नहीं है, यह है लोकल पुलिस कमिश्नर का काम, लोकल ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर का काम, जो टेररिज्म के केस को देखता है कि इसका क्या होना चाहिए। एकदम बम ब्लास्ट के बाद फटाफट एक पब्लिसिटी लेने के लिए कई जो लोग आते हैं, उसमें आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसका बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और कभी ना कभी टेररिस्ट ऐसा वाकया करेंगे, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, त्रिपुरा में और नागालैंड में ऐसे वाकया कर चुके हैं और बम ब्लास्ट करेंगे। उनको पता है कोई ना कोई वीआईपी आएगा, कहीं ना कहीं बम लगाया होगा और नुकसान हो जाएगा उस वीआईपी का। तो मैं ये कहूंगा कि जो दौरे हैं एकदम, इसको करने की जरूरत नहीं है। जहां तो होम सेक्रेटरी आए दिल्ली से, जहां दिल्ली का जब पुलिस कमिश्नर हो वो आए, जहां चीफ मिनिस्टर हो वो इसका दौरा करें, पूरा जायजा लेके उनका जाना वाजब है या नहीं है ये सुरक्षा एजेंसियों से पूछना चाहिए। एकदम फटाफट दौरा करने, दौरों से हमें, हमारे से कुछ नहीं होना। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर इतने दौरे किए पॉलिटिशियनों ने, आज तक किसको टेररिस्ट विक्टिम फैमिली को माली सहायता मिली, उनको नौकरी मिली, मुझे बताइए, किसी एक को नहीं मिली। पंजाब के अंदर इतने बेगुनाहों के खून हुए, इतने बहनों के सुहाग उजड़ गए, मेरे साथ 75 आदमी मारे गए, सुरक्षा कर्मचारी, मेरे और दोस्त, किसी को आज तक मदद नहीं, अभी तक नहीं मिली। तो मुझे बताओ इन दौरों का क्या मतलब है। नहीं, यहां भी जो पहले इस जो लास्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसके पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ना, किसी को नहीं मिली, उनके भी जो विक्टिम्स थे उनको नहीं मिली। मैं ये बताऊं, ये सिर्फ टेम्परेरी हम टेलीविजन अखबारों में चर्चा कर लेते हैं, लोग भूल जाते हैं और लोग ये समझ आए कि हाँ आए, उसके बाद ये चीजें पॉलिटिशियन भी भूल जाता है, लोग भी भूल जाते हैं। अभी तक किसी को कोई माली सहायता पूरे हिंदुस्तान में टेररिस्ट विक्टिम फैमिली को नहीं मिली है, मैं इसका गवाह हूं। मेरे साथ इतने लोग मारे गए, अभी तक किसी की कोई मदद नहीं हुई, किसी का सिर उड़ गया, किसी का हाथ उड़ गया, किसी का कुछ उड़ गया। तो मेरे कहने के इसका क्या मतलब है, जहां तो आए हो तो कुछ ऐलान करके उसका कर जाओ काम, कि तुम्हारे परिवार को एक नौकरी या 2-2 लाख रुपया हम अपना फंड देने जा रहे हैं। जब हम पॉलिटिकल ऐलान तो हो जाते हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। नहीं साहब, ऐसा है, हम पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन लड़ने के लिए फंड मिलता है, ये तो आपको पता है, फंड भी खूब मिलता है सब पॉलिटिकल पार्टियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग देते हैं। अगर उस फंड में से हम कुछ फंड ऐसा रख ले कि टेररिस्ट विक्टिम फैमिली के लिए, पर फैमिली कहीं ऐसी बात होती है, फटाफट लिफाफे में चेक डाला, पैसे डाले, दे दिए। मैं तो ऐसा करता हूं, मेरे पास फंड नहीं है, पर मैं 5-5, 4-4 लाख रुपया फैमिलियों को किसी भी तरीके से मैं अरेंज करके देता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आप कह रहे हैं कि जो एमपी को फंड मिलता है अपनी कंस्टिट्यूएंसी फंड जी, या जो एमएलए को कंस्टिट्यूएंसी फंड मिलता है, उसमें से कुछ पैसे बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए रख देने चाहिए, अलग रख देने, ये रख देने चाहिए, ये पार्लियामेंट में कानून बना देना चाहिए। अगर इनका 2 करोड़ है या किसी एमएलए का 1 करोड़ है, तो इसमें 25 लाख या 30 लाख सिर्फ टेररिस्ट विक्टिम फैमिलियों के लिए होना चाहिए, फिर तो इनके दौरे का कुछ फायदा भी है। वैसे आके दौरा करना, फोटो, पब्लिसिटी, चर्चा, इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें तो उनका डबल काम हो रहा है, लोग मर रहे हैं और उनकी जा भी रहे हैं, मदद भी नहीं हो रही और पब्लिसिटी मिल रही है, फलाना फलानी जगह पे गया, और इसमें 2 नुकसान है। दूसरा नुकसान जो आपने कहा, कभी ना कभी ऐसा जरूर वाकया होगा, आप देख लेना, किसी न किसी बड़े व्यक्ति की जान इसमें जा सकती है। ये सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर पॉलिटिशियन को जिद करता है, सत्ता में रहने वाला आदमी को जिद करता है, तो उसको प्यार से समझा देना चाहिए कि आपको यहां जाना ठीक नहीं है, इसमें आपका नुकसान होगा, आपके साथ सुरक्षा कर्मचारी और पब्लिक का नुकसान भी हो सकता है, ये उनको समझाना चाहिए। बिट्टा जी, आप पंजाब सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उस समय, उस दौरान जब पंजाब में काफी आतंकवाद की वारदातें हो रही थी, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है कि इस टेररिज्म को अगर दबाना है और रोकना है तो क्या करने की जरूरत है मुंबई शहर में? देखो, मुंबई शहर में सबसे पहले तो ये है, ये जो बॉम्बे शहर है, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई होम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ चीफ मिनिस्टर, जैसे सुशील कुमार शिंदे जी है, बड़े एक अच्छे सूझवान व्यक्ति हैं, उनके साथ एक एडवाइजरी काउंसिल बन जानी चाहिए, जिसमें रिबेरो साहब हो, जिसमें केपीएस गिल हो, जिसमें महाराष्ट्र के और बॉम्बे के कमिश्नर रहे सामरा साहब, वो हो, ऐसे 3 लोगों का एक एडवाइजरी बोर्ड बन जाए और ये सुरक्षा सलाहकार बन जाए चीफ मिनिस्टर के, जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी के केपीएस गिल बने, और 1 साल का समा दिया जाए कि अंडरवर्ल्ड टेररिस्ट जो और लोग ऐसे क्राइम करने वाले, उनके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ बिगल बजाना है, और ट्रांसफर पोस्टिंग जो है यही लोग करें। तो मैं आपको बताऊं, इसमें हमारी मसला जो है 6 महीने नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर हल हो जाएगा, और गोली का जवाब गोली, इनको कोई जेलों में रखने की, रोटी खिलाने की जरूरत नहीं है, इनको उसी वक्त गोली मारनी चाहिए, इनकाउंटर करना चाहिए, जिस तरीके से पंजाब में, जम्मू कश्मीर में किया। अगर इनको जेलों में रखेंगे,
अगर इनके केस चलेंगे तो मैं आपको गारंटी से कहूं ये 7 साल 8 साल केस चलते रहेंगे, लोग भूल जाएंगे और इनको ना फांसी होगी ना जेल होगी, गवाह मुकर जाएंगे और ये बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पॉलिटिशियनों की ये बात रहेगी कि इनको सख्त सजा होनी चाहिए। बड़े नेताओं ने कहा जो दिल्ली से आए इनको सजा होनी चाहिए, उसके बाद वही नेता कहेंगे इनको छोड़ दो पुराना हो गया। आपने जो अभी बात कही ये कमेटी की, ये बिल्कुल वही बात है जो कुछ समय पहले श्री बाला साहेब ठाकरे ने कही थी। बिल्कुल, उनने भी केपीएस गिल का नाम लिया था, रिबेरो का नाम लिया था। क्या आप बाला साहब जी से मिलके आ रहे हैं? आप दोनों की सोच बिल्कुल एक ही बाला साहब ठाकरे जी की सोच और मेरी सोच में मैं नहीं समझता हूं कि आतंकवाद के मुद्दे पे बिल्कुल फर्क है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी की मैं उनको मिला नहीं हूं, पर बाला साहब ठाकरे की जहां आतंकवाद के खिलाफ एक सोच है वो इनका स्पष्ट है, लोगों के सामने क्लियर है, वो झुकते नहीं है। मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं। अब कल मैं देख रहा हूं आपके इन चैनल में, पहले आप रंग भी भगवा पहन के आए हैं, रंग की बात तो अलग है, पर मैं ये कहना चाहता हूं अगर आतंकवाद के खिलाफ बाला साहब ठाकरे की सोच बिल्कुल स्पष्ट है, दोहरी राजनीति नहीं है, तो मेरा सिर उनके आगे झुकता है। जरूर मैं कांग्रेसी हूं, आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अगर खुल के बोलता है मैं उसके आगे अपना सिर झुकाता हूं, मैं उनको मिला नहीं हूं। पर कल आपके जो इन चैनल में मैंने देखा उसमें बाला साहब ठाकरे ने भी कहा केपीएस गिल को लाया जाए, मैंने भी कहा, अब मैं मिला ही नहीं उनको। इसका मतलब हमारी जो दोनों की विचारधारा है इस आतंकवाद के मुद्दे पे हम बिल्कुल मेल खा रही है। और वही कल गवर्नर साहब को मैंने जब मेमोरेंडम दिया और उनको भी कहा इन तीन लोगों की एडवाइजरी काउंसिल बना लो, उन्होंने भी कहा ये बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं सीएम साहब से बात करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब कहीं ना कहीं आतंकवाद के मुद्दे पे कोई लोग सिंसियर तो हैं। आप कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री से कोई दखल नहीं होना चाहिए मुंबई की सिक्योरिटी के ऊपर। जब मैंने परसों रिबेरो जी का कुछ एक पेपर आफ्टरनून में एक कल उनका न्यूज देखा और लोगों से मेरी चर्चा हुई, जब ये इल्जाम लगते हैं, मैंने सुना है पढ़ा है कि पोस्टिंग ट्रांसफर में भी होम मिनिस्ट्री से कुछ लोग पैसे लेते हैं, तो मेरे कहने का मतलब अगर होम मिनिस्ट्री से पोस्टिंग ट्रांसफर में बॉम्बे में पैसे लिए जाएंगे क्या वो लोग इस लोगों की सुरक्षा करेंगे? क्या ऐसे बम ब्लास्ट नहीं होंगे? क्या वो टेररिस्टों को पकड़ेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं इस चीजों से बिल्कुल अलग करना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें मैं समझता हूं जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बड़ोचा साहब हैं, उनकी एक कमेटी का गठन होना चाहिए। जैसे अभी अपने जो करप्शन के ऊपर अन्ना हजारे ने एक कभी प्रदर्शन वगैरह किया था, किसी की कमेटी का गठन हुआ है, ऐसे कमेटी का गठन हो। जब से ये सरकार हमारी बनी है किसी बिल्डर से पैसे ले लिए कुछ ले लिए, मैं उन चक्करों में नहीं आना चाहता। अगर किसी मंत्री ने किसी पुलिस अधिकारी के पैसे लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग के, उसको उतनी ही सजा होनी चाहिए जो किसी आतंकवादी को मिलती है, उसके ऊपर कोटा लागू होना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ न कुछ कदम उठाने वाला हूं, या मैं पीआईएल डालूंगा, या मैं होम मिनिस्टर को मिलूंगा, या मैं सीबीआई के डीजी को मिलूंगा, या राष्ट्रपति जी को मिलूंगा। मैं सोच रहा हूं ऐसा, और मैं अन्ना हजारे जी को भी मिलूंगा। छोड़िए इन बाकी मुद्दों को, ये करप्शन के मुद्दे। आप पीआईएल महाराष्ट्र सरकार के होम डिपार्टमेंट के खिलाफ डालने जा रहे हैं? मैं कुछ सबूत इकट्ठे कर रहा हूं और क्या इनकी जांच हो सीबीआई से, क्या किसी मंत्री ने पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग के पैसे लिए हैं? अगर लिए हैं तो वो पुलिस अधिकारी इतना दोषी नहीं है जितना वो मंत्री दोषी है, और जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं इसका मतलब उसकी गलती से हुए। अगर पुलिस में आप कैसे प्रूव करेंगे? नहीं, अब मैं कोशिश कर रहा हूं सबूत। जिस अफसर ने पैसे दिए हैं वो मानने वाला देखो, जब सीबीआई की साहब जांच होगी तो सीबीआई तो बहुत कुछ निकाल लेती है। सीबीआई एक बहुत बड़ा एक अदारा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, और अगर उसकी जांच होगी तो मैं बिल्कुल इस चीज को महसूस करता हूं और मैं खुद निकलूंगा कि ऐसे लोग निकालें, उनसे पता करें। सीबीआई बड़े बड़े लोगों की जांच कर लेती है, उसमें कामयाबी मिलती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा गुनाह है कि कोई होम मिनिस्ट्री में बैठा हुआ किसी एसीपी, किसी डीसीपी, किसी पुलिस इंस्पेक्टर, किसी थाने का इंस्पेक्टर, उसकी ट्रांसफर के पैसे ले, तो लोगों को कहां सुरक्षित है? इसका मतलब जो टेलीविजन अखबारों में हम बोल रहे हैं इसका मतलब वो सब झूठ है क्या? बिट्टा जी, आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, काफी साल प्रेसिडेंट रहे, आप कांग्रेस सरकार पंजाब में मंत्री रहे हैं, आप ही की पार्टी की सरकार अभी महाराष्ट्र में है, तो जो आप कह रहे हैं जो सरकार का बर्ताव है पुलिस के साथ और ट्रांसफर्स के बारे में, क्या ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं आती जो आप कह रहे हैं? देखो, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं एक सिर्फ होम मिनिस्टर के खिलाफ बात कर रहा हूं। ऐसा है, सबसे पहले भारत देश आतंकवाद का खात्मा
और उसके बाद पार्टी। अगर मैं पार्टी को देखूंगा तो मैं ये चीजें नहीं बोल सकता हूं। सबसे पहले मैं भारतीय हूं, मैं बाद में कुछ हूं, उसके बाद पार्टी तो मेरी बहुत दूर जाती है। भारतीय होना सबसे बड़ी फक्र की बात है। तो उसके लिए लोगों के सामने सच्चाई रखना, लोगों को बताना कि असलियत क्या है। आप देखिए जिन लोगों के घर उजड़ गए, जिनके बच्चे बेचारे खत्म हो गए, जिनकी बहनों के सुहाग उजड़ गए, उनके घर जाके देखें जरा क्या हालत है उनकी। और ये बम्बला ऐसे होते रहेंगे और हम लाशों के ऊपर राजनीति करते रहेंगे, पैसा भी कमाते रहेंगे, लाशों के ऊपर राजनीति भी करते रहेंगे और अखबारों टेलीविजनों में पब्लिसिटी भी होती रहेगी। कितने फायदे हैं पॉलिटिशियनों को बताओ। तो जो लोगों को बताना होगा कि आतंकवाद लाते भी हम राजनीतिक लोगों हैं, हमारी गलतियों से आतंकवाद आता है और खत्म भी हम करते हैं। अब पंजाब के अंदर देखिए मिसाल, कौन लाया था आतंकवाद, हम राजनीतिक लोग जिम्मेदार। बेटा जी, पंजाब के बारे में और पंजाब का जो अनुभव था आतंकवाद के साथ, इस पे हम लौटेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। We are talking to Mr. Maninderjeet Singh Bitta, a victim of several terrorist attacks, about what can be done to prevent further bomb blasts in the city of Mumbai. Bitta ji, आपने अभी politicians का जो रवैया होता है bomb blast के बाद उसका जिक्र किया था। आप ही की पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी अभी मुंबई आई थी bomb blast के बाद, और उनने ये कहा था कि जो लोग ऐसे विस्फोटों के पीछे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या आप उनके स्टेटमेंट को सीरियस मानते हैं? क्योंकि आपके ऊपर भी जो अटैक हुए थे और उनके जो टेररिस्ट पकड़े गए थे, उनका क्या हुआ? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी हमारी लीडर है। मेरा सोनिया गांधी जी से एक सवाल जरूर है और मरते दम तक रहेगा। मरने के बाद भी मेरी रूह भी, मेरे बच्चे भी उनको सवाल पूछते रहेंगे। क्या जिन लोगों ने यूथ कांग्रेस के दफ्तर में दिल्ली के अंदर 1993 को जब बॉम्बे में ब्लास्ट हुए, जब मेरे में ब्लास्ट हुआ था, 35 बेगुनाह लोग मारे गए थे, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता, सेवा दल के कार्यकर्ता, सुरक्षा कर्मचारी मारे गए थे यूथ कांग्रेस के हिंदुस्तान के हेड ऑफिस में, और वो आतंकवादी बम ब्लास्ट करके अमेरिका चले गए। उस वक्त जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर थे कांग्रेस के, कांग्रेस से बाहर, सबने कहा इनको सजाए मौत होनी चाहिए और पकड़ के इनको गोली मार देनी चाहिए, जैसे आज ठाकरे साहब कहते हैं। और उनको अमेरिका से पकड़ के लाई दिल्ली की पुलिस, राजस्थान की पुलिस, पंजाब की पुलिस, उनकी इंटेरोगेशन हुई। वो आईएसआई के एजेंट थे, पाकिस्तान के इशारे पे जैसे यहां वारदात होती ऐसे वारदात करते थे सब स्टेटों में, बॉम्बे में भी उन्होंने की। और जब उनका केस चला, उनको सेशन कोर्ट में फांसी की सजा हुई, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने अपील की, फांसी की सजा हुई। उसके लिए कौन पेश हुआ? कपिल सिब्बल, कांग्रेस का स्पोर्ट्समैन, सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है 100 फांसी से उम्र कैद कर दो। कांग्रेस के दफ्तर में ब्लास्ट हुआ, मेरे ऊपर ब्लास्ट हुआ, कांग्रेस के एक वर्कर मारे गए। उसके बाद जब मैंने हाईकमान को इस चीज की शिकायत की, तो उसके बाद इसका क्या असर हुआ कि पंजाब के अंदर कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट से जो स्टेटमेंट दिलवाएगी, अगर इसको फांसी से उम्र कैद हो जाए तो हमें कोई इतराज नहीं। फिर 6 जजों का बेंच बैठा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठा, फिर उसको फांसी की सजा हुई। क्या जो आज हमारे लीडर कांग्रेस की, हमारे प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने यहां पे कहा है, क्या वो मेरे केस की तरह दोबारा ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं बदली जाएगी कि 6 साल के बाद जब सब लोग भूल जाएंगे, कहेंगे अब फांसी होने वाली, इनको छोड़ दो? जो आज कहा है वो स्टेटमेंट उस वक्त भी होनी चाहिए, ऐसा ना हो, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अब मारा जाता तो मैं मारा जाता, बच्चे रुल जाते तो मेरा परिवार रुल जाता, जो मेरे साथ सुरक्षा कर्मचारी मारे गए उनके रुल जाते, किसी को क्या तकलीफ है? अगर आज स्टेटमेंट दी है कि गोली का जवाब गोली, मारना चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, एनकाउंटर करना चाहिए, तो कल स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट कांग्रेस बदल चुकी है। आपके कहने का भाव क्या है कि जो पॉलिटिशियन लोग ऐसी वारदात के बाद स्टेटमेंट देते हैं, वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं? देखो, मेरे साथ तो हुआ था, मेरे खुद के साथ हुआ है,
इतने बम खाने के बाद, और बम जो है मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं थी, मुल्क की लड़ाई थी, देश की आजादी की रक्षा की लड़ाई थी। कांग्रेस का तिरंगा झंडा उठा के मैंने आतंकवादियों का मुकाबला किया था और कांग्रेस के दफ्तर में मेरा बम चला था। तो उसके लिए कांग्रेस क्या आज हमारी क्या दिल्ली के अंदर बैठी हुई लीडरशिप आतंकवाद के ऊपर क्या इतने बड़े हाथ खड़े कर दिए? स्पष्ट नीति करे, जो राजीव गांधी जी की थी, जो इंदिरा गांधी जी की थी, जो नरसिम्हा राव जी की थी, जो सरदार भीम सिंह की थी, वो कांग्रेस को नीति स्पष्ट करनी चाहिए महाराष्ट्र के अंदर कि हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें लोगों को शांति अमन देना है और आतंकवाद को समाप्त करना है। जिस दिन हम ये पॉलिसी अपना लेंगे, आप देखिए बॉम्बे में पंजाब की तरह आतंकवाद नहीं रहेगा। जो पंजाब का एक्सपीरियंस था जी आतंकवाद के ऊपर जी, उसका इस्तेमाल मुंबई में हो सकता है क्या? और अगर हो सकता है तो किस तरह हो सकता है? देखो जी, मैंने आपको एक ही बात कही, आपने तो कमेटी की बात कही। हाँ, हाँ। एक कमेटी बनाने से कोई आतंकवाद तो खत्म नहीं होगा। पंजाब के अंदर जब आतंकवाद था, जब आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा था, हम सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने एक नारा दिया, जिसमें कांग्रेस थी, जिसमें बीजेपी थी, जिसमें शिवसेना थी, जिसमें अकाली दल की कुछ पार्टी थी, जिसमें सीपीएम सीपीआई थी, बीएसपी थी। हमने सबने कहा हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें सरकार नहीं चाहिए, हमें आतंकवाद को इस पंजाब से भगाना है। और आतंकवाद देखिए सब ने मिलकर खत्म किया, कोई अकेले हमने नहीं किया। यही पॉलिसी बॉम्बे के अंदर अपनानी होगी। ये जो अलग अलग प्रोटेस्ट करते हैं, कई और फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अटैक करती, दूसरी उसको पॉलिटिकल पार्टी को अटैक करती। अगर ये कार्यक्रम बना ले कि 6 महीने के लिए हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हमारा एक ही मुद्दा होगा, अंडरवर्ल्ड को खत्म करना और आतंकवाद को और क्रिमिनल लोगों का सफाया करना। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, गोली बम चलाने की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है, होम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, पब्लिक ही इस आतंकवाद को, अंडरवर्ल्ड माफिया को खत्म कर देगी। पर पहल जो है राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को करनी होगी, लोगों को नहीं। लोगों को अभी तक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बेवकूफ बना रही है, जनता बेवकूफ बन रही है। जनता को जागना होगा और राजनीतिक लोगों को एक मंच पे इकट्ठे होकर पंजाब की तरह ये नारा देना होगा, वार अगेंस्ट टेररिज्म, ज्वाइंट हैंड अगेंस्ट टेररिज्म। ये जो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा साहब, जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जी, इसमें आप कौन से स्टेटमेंट में राजनीति आपको नजर आती है? अभी तक जो सिर्फ सुशील कुमार शिंदे जी का मुझे स्टेटमेंट जो है बड़ा एक सुलझा हुआ और अच्छा लगा, गवर्नर साहब का बड़ा अच्छा लगा जो कहा कि सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, बाला साहब ठाकरे का लगा कि इनकाउंटर होना चाहिए, जेलों में नहीं रखना चाहिए। इन तीन लोगों का जो स्टेटमेंट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इन तीन लोगों ने बड़ी अच्छी। राजनीति से प्रेरित कौन से स्टेटमेंट? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, राजनीति से प्रेरित भुजबल साहब है, वो राजनीति से प्रेरित है, और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने दिया होगा, पर इन तीन लोगों के जो स्टेटमेंट थे, गवर्नर साहब, सीएम शिंदे साहब और बाला साहब ठाकरे, तीन लोगों के जो स्टेटमेंट हैं ये राजनीतिक नहीं थे, ये बड़े सुलझे हुए स्टेटमेंट थे। मैं इस चीज की बड़ी कदर करता हूं। देखिए, जब अडवाणी जी आए थे उप प्रधानमंत्री, उनने कहा कि ये जो मुंबई के ब्लास्ट हुए हैं इनका गुजरात से कोई ताल्लुक नहीं है। सीएम साहब ने और डिप्टी सीएम साहब ने यहां कहा है कि जो गुजरात में हुआ उसका नतीजा ये बॉम्ब ब्लास्ट है, उसमें कनेक्शन है। हमारे यहां इन मुंबई चैनल में भी बॉम्ब ब्लास्ट के 45 मिनट पहले एक फोन कॉल आई थी, जो एक आदमी ने कहा कि मैं मुस्लिम्स अगेंस्ट अट्रॉसिटीज इन गुजरात की तरफ से बोल रहा हूं, हम बॉम्ब रखने जा रहे हैं। हमने पुलिस को इत्तला दे दी फौरन। और एक गुजरात रिवेंज फोर्स है जो बनी हुई है, जिसकी पुलिस कहती है कि शायद उसका भी हाथ हो। तो बॉम्ब ब्लास्ट तो हो गए, 52 लोग मारे गए, 150 लोग जख्मी हो गए, और सब पॉलिटिकल पार्टीज एक कहती है कि गुजरात का कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी पार्टी है वो उसकी उंगली गुजरात की ही तरफ नजर आती है। मैं वही तो साहब आपको कह रहा हूं, हम राजनीतिक लोगों को एक मंच पे इकट्ठा होना होगा, हम पहले खुद इकट्ठे हो जाए। अगर अडवाणी जी, सोनिया गांधी जी या वाजपेयी जी इकट्ठा दौरा करते तो उसका कितना अच्छा मैसेज जाता, हम मंत्री भी बट गए। अगर अडवाणी जी हैं तो होम मिनिस्टर साथ नहीं है, वो बीजेपी के लोगों के साथ जा रहे हैं। अगर सोनिया गांधी जी हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट साहब उसमें। ये चीज लोगों को बतानी पड़ेगी कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपका जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट है जी, क्या ये कुछ मदद कर सकता है राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा लाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ
लड़ाई थी। देखो जी, मैंने दिल्ली के अंदर तो एक मंच पे सबको इकट्ठा किया है, फारूक अब्दुल्ला जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, यहां इकट्ठा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं तो कर सकता हूं खुद, कांग्रेस का मेरा भाई मेरे साथ को चलेगा ये मुझे मुश्किल लगता है, दूसरी पार्टियों पे चाहूंगा जरूर इकट्ठे कर लूंगा, ये मुझे यकीन है, अपनों के ऊपर मुझे यकीन नहीं। आपका रसूख बाकी पार्टियों में ज्यादा है, अपनी पार्टी में कम है। रसूख नहीं, अगर आतंकवाद के मुद्दे पे एक दो लोग ऐसे हैं यहां पे, अगर उनको कहूंगा केपीएस गिल है, आप हैं, रबेरो है, अन्ना हजारे हैं, इन लोगों को इकट्ठा करना है तो जरूर हो जाएंगे, जितने मर्जी हम उसके खिलाफ लड़े हो या लड़ रहे हो, पर अपनी पार्टी के अंदर मैं कहूं कि आप आ जाइए, क्योंकि सबको कुर्सी सत्ता का लालच, उसको पता है बिट्टा के साथ जाके तो पॉलिटिकल नुकसान होगा, शायद वो मेरे साथ खड़े भी ना हो, फोटो भी ना खिंचवाएं, मैं जो महसूस आज करता हूं, इसलिए इसकी कोशिश हो सकती है तो जनता जागे, जनता ये नारा दे कि सब इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो हम किसी को वोट नहीं डालेंगे, हम महाराष्ट्र के अंदर वोट का बाइकाट करेंगे, हम किसी को सत्ता में नहीं आने देंगे। आपके फ्रंट की तरफ से जी, जो लोग जिनका नुकसान हुआ है, आपके फ्रंट की तरफ से आप उनकी क्या मदद कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? देखो, मैं अभी तो पिछली बार तो सीएम साहब को मिला था, इनके परिवार को सबको नौकरी मिले, इनको मुआवजा मिले, पैसे की मदद हो, और सीएम साहब ने यकीन भी दिलाया कि मैं इसके लिए कर रहा हूं, होम शक्ति साहब को भी कहा है, पर इसमें जो बहुत ही गरीब फैमिली है उनके लिए हम कोशिश करेंगे, इनके लिए कुछ न कुछ माली सहायता, पैसे की मदद, और अगर सरकार नौकरी नहीं देती है 2-3 महीने देखेंगे, फिर वो हम अपनी तरफ से मदद जो है करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी तरफ से सब लोगों को हर एक चीज में सरकार की तरफ देखना भी तो मुनासिब नहीं है। नहीं, अभी अभी जो जनता है, जो आप जैसे लोग हैं जिनको इस चीज की दर्द है, क्या वो लोग इकट्ठा बताऊंगा, कभी 2 महीने पहले अमिताभ बच्चन जी दिल्ली आए विज्ञान भवन में, और वहां पे हमने 125 करोड़ रुपया बांटा, जिसमें पार्लियामेंट में लोग मारे गए, वो कारगिल में मारे गए वो लोग, या अक्षरधाम में पर फैमिली 5 लाख, और कुछ कंपनियों में अमिताभ बच्चन जी ने नौकरी भी लगवाई है। अब अमिताभ बच्चन जी भी हमारे साथ, हम उनके साथ जुड़े हैं, तो हम ऐसे लोगों को कहेंगे कि एक बार फिर सामने आए और इन लोगों की मदद करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार के ऊपर भी ज्यादा विश्वास करना, ध्यान देना ठीक नहीं है, पर कोशिश तो होनी चाहिए। अभी तक तो सरकारों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में कहीं मदद नहीं हुई, सब लोग रुल रहे हैं, बयान दिए जाते हैं हम इनकी ये मदद करेंगे, कोई नहीं करते, पर इसलिए हमने एंटी टेररिस्ट फ्रंट बनाया है, अगर सरकार नहीं करती तो इसके लिए हम पहल करें, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो मुंबई के ऊपर नजर डाल रहे हैं आप? बिल्कुल डाल रहे हैं, और यहां फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करेंगे, और जो बहुत ही गरीब फैमिली है, जैसे आपने इंडिया गेट में देखा, को पानी बेचने वाला था, गेटवे ऑफ इंडिया, हाँ गेट ऑफ इंडिया, जो पानी बेचने वाला था, कोई नारियल बेचने वाला था, जिनके माँ बाप चले गए, ऐसे लोगों का मैंने सोचा है कि हम मदद करेंगे, और नौकरी की जरूरत नौकरी भी करेंगे, उनके बच्चों की शादी का हुआ वो भी हम अपनी तरफ से कराएंगे, एंटी टेररिस्ट फ्रंट की तरफ से, ये हमने सोच लिया। आपकी मुलाकात चीफ मिनिस्टर साहब से हुई थी जी, तो आपको कोई आश्वासन मिला चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कि वो भी कुछ करने जा रहे हैं? देखो जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मैं इनके लिए मदद कर रहा हूं, करूंगा, और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कल मैं गवर्नर साहब को मिला हूं, उन्होंने भी मुझे यकीन दिलाया है कि मैं मदद करूंगा, और दोनों लोगों की तरफ से मुझे बहुत ही विश्वास है, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आश्वासन के बाद क्या आप इसको फॉलो अप करने की सोच रहे हैं? मैं करूंगा, पर मुझे लगता है ऐसे लोगों के पीछे फॉलो अप करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल सच्चाई से हैं, ये दूसरों की तरह नहीं है, अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, नीचे से पुलिस पोस्टिंग के लिए पैसे ले लो और उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ भी बोलो, ये डबल पॉलिसी वाले आदमी नहीं है, ना सुशील कुमार शिंदे ना कोई और, तो इसलिए मुझे विश्वास है कि दोनों लोगों के ऊपर कि ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बेटा, इफ यू कैन डू समथिंग फॉर द विक्टिम्स ऑफ दिस बॉम्ब ब्लास्ट इन बॉम्बे। थैंक यू, शुक्रिया। दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू दिस वीक, वी बी बैक अगेन नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट टू डिस्कस a topic which is of interest to the lives of Mumbaikars. Namaskar.